आपको लग रहा है पैंथ पकड़ के मैं पबजी प्लेयर जैसे क्यों खड़ा हूँ जिसके पास कोई बंदूक नहीं बची से पैन से मारना है। तो इतनी गर्मी में हमारा भी ये हाल हो रहा है भाई, खाने का कुछ मन नहीं कर रहा, नॉनवेज खाने का मन नहीं कर रहा, इतनी गर्मी में खाओ क्या। और 47 हो गया दिल्ली का टेम्परेचर, मैं देखा तो तुम्हें 3 सैंडविचेस जो आप किसी भी मौसम में डिनर लंच चाय के साथ खा सकते हो, 3 मेरे फेवरेट हैं। एक दिखाऊंगा आपको मुंबई स्टाइल सैंडविच, एक आपको दिखाऊंगा कैंटीन वाला सैंडविच कोल्सो वाला, और तीसरा दिखाऊंगा जिम वाले लोंडो को कम्प्लीटली प्रोटीन वाला सैंडविच। बिल्कुल मस्त 3 सैंडविच, कुछ भी बना लो खा लेना। शुरू करते बॉम्बे वाले या मुंबई वाले सैंडविच के साथ। गैस ऑन कर ली हमने, इसमें लेंगे तेल, तेल गर्म हो चुके हैं, इसमें डालेंगे सबसे पहले हम लोग ज़ीरा। हम 2 आलू के लिए बना रहे हैं, आप मल्टीप्लाई करके, ये आधा चम्मच डाला मैंने। और हल्की सी हम डालेंगे मस्टर्ड, इसमें डालेंगे करी पत्ता, मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें डाल रहे ज़रा सी हींग, हल्दी, धनिया पाउडर, इसको मसाले जले ना थोड़ा सा पानी ऐड कर देते इसमें। तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं आलू अपने, और ये 4 आलू है लगभग, कुछ नहीं करना आपने, आलू को बॉईल करके उसे कद्दूकस करना, हाथ से भी तोड़ सकते हो। इसमें डालेंगे हम नमक, मटर, ये हमारा खुद का गर्म मसाला है। हमारे पे गरम मसाले 2-3 टाइप के होते हैं, वेज, नॉन वेज, चाट वाले, और आपको लगे कि मिक्स नहीं हो रहा तो हल्का सा पानी मिला लो, जैसे मैं मिलाने जा रहा हूँ अभी। धनिया फ्रेशनेस के लिए, और नींबू निचोड़ेंगे इसमें हम लोग। तो ये हमारा मसाला तैयार है, अब इसको ठंडा करने की वेट करेंगे, तब बनाएंगे सैंडविच में, जो इतनी गर्मी में लगेगा थोड़ा टाइम इसको ठंडा होने में। तैयार है part 1 ऑफ आर बॉम्बे सैंडविच। एक हरी चटनी चाहिए होती है, आप अपनी रेसिपी यूज़ कर सकते हो, नहीं पता तो मैं बताया था। तो ये ले रहे हैं आधा प्याज, ये है पुदीना, ये एक कटोरी है, मतलब अराउंड 50 ग्राम होएगा। धनिया कम से कम 100 ग्राम होएगा। अगर इस चैनल का नाम बदल के मुझे क्लमजी शेफ रखना पड़े ना, तो मुझे इस चीज़ से पूरा यकीन है। और इसमें डालेंगे हम लोग कम से कम 3 मिर्च, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लहसुन की फाड़ी, इसमें डालेंगे काला नमक, नमक और हल्का सा पानी डालेंगे, दैट्स इट। तैयार है हमारी बढ़िया सी हरी चटनी, शुरू करते हैं असेंबली। सबसे पहले आपको रूम टेम्परेचर बटर लेना है, ठीक है, दिस इज़ ए रूम टेम्परेचर, मतलब इतनी गर्मी में छोड़ दो बस, वार दो उसको। और जो बॉम्बे के स्ट्रीट फूड पे मिलता है ना, वो बटर नहीं होता, वो मार्जरीन होता है। क्योंकि एक चीज़ सोचो, अगर कोई क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहा है ना, वो दुकानदार जैसे सरदार पाव भाजी पर जाओगे ना, वो सरदार पाव भाजी वाला तुम्हें दिखाएगा किस पैकेट से निकला है, छुपाएगा नहीं। उसमें जाएगी हरी चटनी, उसमें जाएगा मसाला, बिल्कुल आपको स्प्रेड करना है, लेगी शिमला मिर्च, टमाटर, और ये थिन टमाटर, बिल्कुल थिन, प्याज बिल्कुल थिन, और बॉइल्ड किया हुआ चुकंदर इज अ मस्ट। ऊपर से डालेंगे चाट मसाला सॉल्ट रिएक्शन के साथ, इसको अब करेंगे पैक। बटर लगाएंगे दोनों साइड, भाई बटर इसमें असली लगा रहे हो तो गिन के नहीं लगता, बस मन से लगता है। तभी इस वीडियो को बैलेंस करने के लिए एक हेल्दी सैंडविच दिखा रहा हूँ, बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कितना बटर खा रहा है, तू तो अमूल बटर वाला भी नहीं ब्लॉगर ना, जिसको टेस्ट करना है टेस्ट करें, इसको डाइटिंग करनी है डाइटिंग करें, ये नहीं है ले लो, बेस्ट इस पर बनता है, इलेक्ट्रिक में भी बन जाएगा और तुम्हारे पास टोस्ट मेकर उसमें भी बन जाएगा, या इसको सीधा तुम तवे पे भी वेट लगा के भी इसको ग्रिल कर सकते हो, तब भी बन जाएगा। गेस्ट आ रहे हैं, इसको एज इट इज़ फ्रिज में रख दो, गेस्ट आए तब भी बन जाएगा, प्रिपेयर हो सकता है पहले।
तो इसको पहले दोनों साइड थोड़ा थोड़ा गर्म करेंगे, थोड़ा थोड़ा बटर ले रहे हैं। ये सैंडविच में ना एक्यूरेट तो नहीं होती, ये सांचा के हिसाब से बना, आपकी ब्रेड कितनी बड़ी है, ब्रेड के जलने की स्मेल आपको जरूर आएगी। तो ये वाले इसमें थोड़ा क्या होता है, बीच में जो आपका गैप होएगा ना उसमें टॉपिंग निकल जाएगी आपकी, निकल जाएगा इस, निकल जाएगा ये। अगर इतने बटर के बाद भी ना निकले तो बटर पे भी डाउट हो जाना चाहिए हम लोगों को। आधा सैंडविच बन गया तुम्हारा, आधा। देखो जो बॉम्बे में जो होते हैं ना स्पेशल, उनमें कट नहीं होता, वो ना ऐसे इडली हाफ इडली जैसे होते हैं, तो उसमें ऐसा दिक्कत नहीं आती। दिस इज परफेक्टली डन ऑलमोस्ट। आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, अगर आपके हमारे ऐसा ना निकले बॉम्बे सैंडविच, एडिबल है, इट्स गुड, बट इट शुड बी अ सेकेंड वे। वैसे ही सेम करना है, हमने इसके एजेस काट लिए बस, और सेम तरीके से बनाया है। अब इसको आप क्या करोगे, बिल्कुल गर्म होने की वेट करनी है आपने, अपना पैन इसको बस कैसे कवर कर दीजिए, प्रेस करो तभी इसकी स्मूथनेस आएगी। और अब टाइम आ गया दूसरी साइड बटर लगाने का। क्रस्ट देखो गाइस, क्रस्ट, अब इसको इमीडिएटली कवर कर दो। क्रस्ट बिल्कुल क्या मक्खन जैसे आई है, दिखाते हैं, ये देखो अमेजिंग, वो क्रिस्पी परफेक्ट। ये देखो गाइस द कलर। बॉम्बे में नहीं है कि लोग इतना फिलिंग करके भी खाते हैं, काफ़ी लोग जो टोस्टेड ब्रेड ही खा लेते हैं। फैंटास्टिक। हम बनाएंगे कोलसो सैंडविच। मतलब जब हम स्कूल में सोचते थे ना यार आज कुछ हैवी नहीं, कुछ लाइट सा खाना है, हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए लाइट का मतलब था कोलसो सैंडविच, वाइट ब्रेड उसका कोलसो। अब मैं चीज़ डालूंगा ना तुम रील वाला ज्ञान लगाओगे, अरे वाइट ब्रेड खा रहे हो मर जाओगे, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक बात सोचो, तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी है, ठीक है, कभी स्त्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर ब्रेड ना होती तो वो स्त्री आपके लिए रोटियाँ बनाती रहती, वही स्त्री आपके लिए सब कुछ ही करती रहती। तो वुमन एम्पावरमेंट है ब्रेड, जी तला ब्रेड बना दिया, ब्रेड जैम खा लिया, पूरा दिन लेडीज का काम किचन में थोड़ी है, ब्रेड एक अच्छा सोर्स है। अब तक हम तो नहीं मरे ब्रेड खा खा के, लोग 80-90 साल तक भी जिंदा है ब्रेड खा के, तो उसको इतना डीमोनाइज नहीं करना चाहिए कि ब्रेड खाने से कुछ हो जाता है। तो ये हम खाते थे एज अ हेल्दी फूड, आपको भी सिखाता हूँ। तो हम लेके लगभग एक कप मेयोनीज, एग वाली ले सकते हो, बिना एग वाली ले सकते हो, रीले देख देख के बता सकते हो कि ये खाने से क्या होएगा, मुझे तो मज़ा आएगा। एवरीथिंग मैटर्स व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे, स्ट्रेस तो नहीं ले रहे। इसमें एक दो चम्मच डालेंगे हम लोग दूध, इसको पहले ऐसे मिलाएंगे, और अब इसमें डालेंगे हम लोग मस्टर्ड सीजनिंग, ये आधा टीस्पून, ब्लैक पेपर। सस्टेनेबिलिटी किसे कहते हैं बताओ, तुम देखते होगे रणबीर बरार और सब अच्छे शेफ्स के यहाँ पे क्या कटोरियों में समझ देते हैं, हमारी टीम बोलती है भाई सस्टेनेबल बनो, अगर इसमें कॉफ़ी आई थी ना तो इसमें तुम कुछ ना कुछ सेव करोगे। सुंदर सस्ता जुगाड़ हमारा, ये थोड़ा सा स्टूडियो है, अब तुम लोग गालियाँ दे रहे हो कि ये क्या है गंदी गंदी चीज़ है, अरे वो वाला महंगे बजट वाले चैनल नहीं है, घरों में तो ऐसे ही होता ना, सब डब्बी ऐसे ही है, कोई डिलीवरी में चटनी आई थी, कुछ क्या आया था, जुगाड़ो किचन है। पत्ता गोभी थोड़ी बहुत केयरफुल होनी चाहिए कि आप इसको या तो थोड़ा सा ब्लांच कर लो हल्का सा, ठीक है, और फिर ठंडे पानी में डाल दो, एक वो कर सकते हो, या तो इसको नमक वाले पानी में कम से कम आधा घंटा छोड़ दो, तो जो दिमाग वाले कीटाणु है जो आप बोलने वाले हो वो बात बिल्कुल ठीक है, हो सकता है, तो उसके बाद यूज़ करो। गाजर ऐसे काटनी है, ये देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कैप्सिकम, ये थोड़ा फैंसियर वर्जन है स्कूल से, बिकॉज सब बड़े हो गए ना, उसमें तो दो चार चीज़ डलती थी, पीली कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, और ये है आपका हरा प्याज, और इस सबको हम मिक्स कर लेंगे।
इसमें देखो मिक्स करके कितना अच्छा आ गया। इसमें डाल रहे हैं नमक। इट्स वेरी सिंपल गाइस। अगर आपने कुछ ऐड ऑन करना हो अपना कस्टमाइज तो वो भी कर सकते हो। टेस्ट करके देखते हैं इसको कैसी बनी है। क्रंच ओके टेस्ट तो सब ब्लैक पेपर और डलेगा हल्का सा। ये पीला चाट मसाला होता है चांदनी चौक और दिल्ली जाना। हल्का सा डालें बस, ओवरफ्लो नहीं करने फ्लेवर्स कोल्सो के, बस हल्का सा फ्लेवर दे रहे हैं। अब इसको करेंगे असेंबल। दिस इज़ वेरी इजी टू मेक। तो लेवर पढ़ रहे थे भाई, 64% मैदा है इसमें, शुगर यीस्ट और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि शेल्फ लाइफ भी तो बढ़ानी है। देखो ये जो ब्रेड है ना, ये ब्रेड सस्ती तब होगी जब उसमें काफ़ी चीज़ें मिलाएगी। फैक्ट्री में बनती है ब्रेड, फिर आप लोगों के पास दुकान से आती है, एक रुपये मार्जिन जुड़ता है। कहना आसान है कि ब्रेड के पीछे वो खाओ जिसमें 4 इंग्रेडिएंट हो, वही ब्रेड। अगर ये ब्रेड कितने की आई थी टीम, 3500 रुपये की। यही ब्रेड अगर तुम किसी गोमे जगह से लोगे ना बिना प्रिजर्वेटिव के, वो जो बना रहे हैं दो बंदे, यही ब्रेड तुम्हें 100-150 की मिलेंगे। वही कॉस्टिंग भी मेन चीज़ होती है घर के खाने में। तो हमने जो ये जो बिल्कुल एजेस है ना, बिल्कुल ही हटा देना। सॉफ्ट ब्रेड होनी बड़ी ज़रूरी है इसके लिए भाई। ये भी फेंको मत, इसके दो काम है, डिजर्ट विजर्ट बन जाएगी, क्रम बन जाएगी, गाय को खिला सकते हो, डॉग्स को भी खोके खिला सकते हो। डू नॉट थ्रो इन डस्ट में। ये इमीडिएट वाला सैंडविच नहीं है, इसको थोड़ा ठंडा करके खाया जाए ना तो मज़ा ज़्यादा है। प्रेस कर लो, इसके ऊपर ये रख लो। ये आपका ये दिखाई परफेक्ट सैंडविच तैयार है। अब मैं इसको तरीका बताता हूँ, हमने इसको अब चिल करना है। अगर फ्रिज में आप इसको ऐसे रख दोगे ना, जो जो ब्रेड है ना अपनी मॉइस्चर जो है खो देगा। ये दो सैंडविच पकड़ो, तो ऐसे ढंग से क्लीन रैप करो, ये जाएगा फ्रिज में 1 घंटा, फिर इसको खोल के एंजॉय करेंगे। सो गाइस ये सैंडविच ठंडा ना होना तब तक मज़ा नहीं आता, बिल्कुल चिल्ड हो गया ये। इसको खोलते हैं और रिजॉइस करते हैं हमारे बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रहे। द क्रंच इज स्टिल देयर, दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। सो गाइस नेक्स्ट सैंडविच जो बना रहे हैं विच इज़ हाई इन प्रोटीन, एंड एक पैन लो सबसे पहले, उसमें डालो आप हल्का सा देसी घी, बिकॉज दिस वाज़ द जिम गोएस। अगर आप चाहो तो ये स्टेप अवॉइड कर सकते हो। फ्लेवर ऐड करना हो तो ये मत करना, सिर्फ जो आपके मटर है उसको उबाल के मैश करके डाल देना। ये स्टेप जिम वाले अवॉइड कर सकते हो। ये बस हल्का सा फ्लेवर ऐड कर रहे हैं, राई, हरी मिर्च, हल्की सी उसमें डालेंगे हम लोग हींग, कड़ी पत्ता, थोड़ा सा घी कम लग रहा है, मैं लगा जिम वालों के चक्कर में ना घी कम डाल दिया भाई। अब उसमें डाल लेंगे मटर, ये पाव भाजी वाले को पकड़ो और मैश 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 मैश। ये जाएगा सीधा हमारे बोल में। अब उसमें डालेंगे 1 कप सूजी, आपकी ना भी सूजी हो तब भी डाल दो, 1 कप कटा हुआ प्याज, कैप्सिकम कम से कम 2-3 टाइप के, बिकॉज वो सैंडविच में डली थी तो हमने कुछ वेस्ट नहीं कर रहे, इसी में पटक रहे। दही कम से कम ये है 2.5 कप, इसको मिक्स करेंगे। कलर देखो कितना बढ़िया निकला है इसका। अभी हमने तो कुछ भी नहीं डाला, नमक वमक कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें ऐड करेंगे नमक, ब्लैक पेपर, दैट्स इट। इसको रख देंगे साइड 10 से 15 मिनट के लिए। जो सूजी है उसने अच्छे से पानी को पी लिया है, इसमें हम डालेंगे हल्का सा पानी, इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा इनो डाल के। अब आप बोलोगे इनो क्यों, फूलेगी नहीं ना ब्रेड जैसी। फिर टोस्टर में लगाएंगे,
ये बनेगा तेज आंच पे। गाइस खोल के देखते हैं इसे। वाओ वाओ लुक एट दिस गाइस, परफेक्ट। ये है हमारी नो मैदा हाई इन रिच प्रोटीन ब्रेड। ब्लांड नो टेस्ट जस्ट प्रोटीन, ऐसे होता है हेल्दी खाना। बट है ठीक, ऐसा लग रहा है ढोकला खा रहे हो। ये रील के चौचलेबाजी के वाइट ब्रेड ना खाओ, ये रील पे देख के देखा था, तो रील वालों तुम रील पे ही खाना खाया करो। दैट वॉज इट गाइज, दो सैंडविच हमने बनाए अपनी मर्जी के, वो अच्छे थे। एक रील की रील वालों ने बहुत बुराई करी वाइट ब्रेड की, तो उनके हिसाब से हमने सैंडविच बना लिए उनके लिए। तो अगर इंस्टाग्राम बहुत अच्छे से देखते हो तो खा लेना, वरना मेरे दो सैंडविच खा लेना, दिल खुश हो जाएगा। और फॉलो करते रहो कुक प्रो 6 को फॉर मोर सच रेसिपीज विद योर होस्ट निखिल चावला। बताओ नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे, विल शो यू समथिंग रीजनल फ्रॉम विच एरिया, कौन सा साइड का रीजनल देखना चाहोगे, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान, कमेंट करके नीचे बताओ। और ये बताना वीडियो कहाँ से देख रहे हो।